गर्मी के मौसम में अक्सर डर लगता है कि मेकअप आपका मेल्ट ना हो जाए और साथ में आपका चेहरा पैची भी ना लगे, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ अपना ये वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी ये समर ड्यूई लुक जिसमें आपका चेहरा ग्लो भी करेगा और साथ में लगेगा बहुत ग्लैमरस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा ये मेकअप लुक। सबसे पहले मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगी ये लॉरियल का सनस्क्रीन मिस्ट, जो एक बहुत लाइट वेट मिस्ट है और आपके चेहरे को सनरेज से प्रोटेक्ट भी करता है। अब मैं लगा रही हूँ अपने चेहरे पर ग्लैम ग्लो का ये मॉइस्चराइजर, जिसमें एक खूबसूरत ग्लो आ जाता है आपके चेहरे पर, चाहे आप मेकअप लगाएं या फिर ना लगाएं। अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करने के बाद अपनी अंडर आईज को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राइनेस वहीं महसूस होती है। तो मैंने लगाया है क्लिनिक का अंडर आई जेल और अब मैं अपनी बीबी क्रीम लगा रही हूँ चेहरे पर, जो है लॉरियल की बीबी क्रीम। वैसे तो आपको मार्केट में कई बीबी क्रीम नज़र आएंगी, मैंने आपको एक और बीबी क्रीम दिखाई है इसी वीडियो में, जो है मैक की बीबी क्रीम, लेकिन मैंने सेलेक्ट की है लॉरियल की। अब मैं कर रही हूँ अपने अंडर आईज को कंसील, वो भी मेबिलीन के अंडर आई इरेज कंसीलर से, जो है एक बहुत ही न्यूड कंसीलर और बहुत नेचुरल लुकिंग। अपने चेहरे के स्पॉट्स को भी आप इससे कंसील कर सकते हैं और ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। अब गर्मी के मौसम में ताकि आपका चेहरा ऑयली ना लगे, तो मैं कर रही हूँ अपने चेहरे को पाउडर मेबिलीन के फिट मी लूज पाउडर से। अब बारी आती है चेहरे पर एक अच्छा सा कलर ऐड करने के लिए, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मिलानी का ये ब्लश और आंखों के लिए मैं यूज कर रही हूँ रिमेल का ये स्कैंडल आईज आई क्रेयॉन। हुदा ब्यूटी का ये हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूँ अपने आईब्राउज के नीचे और अपने आईब्राउज के बोन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और साथ में अपनी आंखों पे एक स्लाइट ग्लॉसी लुक लाने के लिए मैं दिखा रही हूँ ये हाइलाइटर अपनी आंखों पर। अब मैं यूज कर रही हूँ निक्स का ये न्यूड आई पेंसिल, जो मेरी आंखों को एक बहुत फ्रेश ओपन आई लुक देगा, और फिर नायका का ये आई क्रेयॉन जो है एक ग्रीन कलर क्रेयॉन। अपनी आईलैशेस को कर्ल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये देता है आपकी आंखों को एक ओपन लुक। और अब मैं यूज कर रही हूँ मेबिलीन के ये फॉल्सीज मस्कारा। अपने चेहरे को एक ग्लो देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का ये 3D हाईलाइट पैलेट और अपने लिप्स को ज्यादा लिपस्टिक ऐड किए बिना एक खूबसूरत पिंक लिप ग्लॉस से मैं अपने चेहरे को एक कलर दे रही हूँ, जो है नायका का ये लिप ग्लॉस। मेकअप करने के बाद अगर आपको डर है कि गर्मियों में आपका मेकअप मेल्ट हो जाएगा या फिर आपका चेहरा ऑयली नजर आएगा, तो पैक का ये स्प्रे यूज करना बिल्कुल ना भूलें, जो आपके मेकअप को लॉक कर देता है, साथ में आपके चेहरे पर एक बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है। तो ये था मेरा समर मेकअप लुक। अगर गर्मी से आप परेशान हैं और आपको काफ़ी पसीना आता है लेकिन आप बहुत ग्लैमरस दिखना चाहते हैं, तो ये लुक आप ट्राई कर सकते हैं। अब चेहरे के अलावा चलिए चलते हैं बालों की तरफ, क्योंकि गर्मी में आप अपने बालों को भी हेल्दी दिखाना चाहते हैं। तो मेरे पास है कुछ प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से आपके बाल अच्छे और हेल्दी और वॉल्यूम से भरे दिख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको ये प्रोडक्ट्स। गर्मियों में आपके बाल बहुत ऑयली और स्टिकी लग सकते हैं, तो ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है।
साथ में जब आप इसे अपने सर में लगाएंगे तो आपके बालों में एक वॉल्यूम भी आ जाएगा और बाल ऑयली भी नज़र नहीं आएंगे। तो मैं आपको इस शैम्पू के डिटेल्स वीडियो में नीचे छोड़ूंगी और आप इसे खरीद सकते हैं ऑनलाइन। और अपने बालों को ड्राइनेस से बचाने के लिए पैंटीन का ये ऑयल रिप्लेसमेंट कंडीशनर भी लगाना ना भूलें, जिससे आपके बाल दिख सकते हैं बहुत सॉफ्ट और सिल्की। तो ये है वो समर लुक जिसमें आप ग्लैमरस और ग्लोइंग भी दिख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।